हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ मून के बारे में कि कैसे हमारा जो मून है, हमारे जो पृथ्वी का एकमात्र सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, जो आपको रात में चांद नहीं देता है उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे मून की उत्पत्ति हुई, मून कैसे बना, इससे संबंधित क्या क्या थ्योरीज दी गई हैं अब तक, उनको हम देखेंगे और कौन सी थ्योरी ज़्यादा एक्सेप्टेड है। ठीक है, तो अब तक हमने अर्थ और यूनिवर्स के ओरिजिन से रिलेटेड थ्योरीज देखी थी, अब मून वाली देखेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, और अपनी बुक चल रही है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, लेक्चर नंबर 6। तो इससे संबंधित एक थ्योरी आपकी डंबल शेप, ऐसे करके ये आपने देखा होगा, ये डंबल है जिसे जिम में रखा रहता है और इसे बॉडी बिल्डिंग करते हैं, ऐसे ही ये थ्योरी है। यहाँ पर क्या था, इसमें बता रखा है कि पहले मून और ये अर्थ दोनों एक ही चीज़ थी और ये रोटेटिंग बॉडी थी, और इसका शेप कैसा था, डंबल शेप था। फिर क्या हुआ, मून इससे अलग हो गया और पृथ्वी में उस जगह पर क्या पड़ गया, गड्ढा पड़ गया। ठीक है, डिप्रेशन पड़ गया। तो ये वाली थ्योरी है, इसको हम देखते हैं पहले, फिर दूसरी वाली थ्योरी देखेंगे। तो पहली बात तो ध्यान रखना, मून जो है ओनली नेचुरल सैटेलाइट है पृथ्वी का, हमारी अर्थ का ओनली नेचुरल सैटेलाइट क्या है, मून है। तो सैटेलाइट क्या होते हैं, सैटेलाइट ऐसी बॉडीज होती हैं जो किसी प्लेनेट के चारों तरफ क्या लगाती हैं, चक्कर लगाती हैं, ऑर्बिट करती हैं, और ऐसी बॉडीज को हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो नेचुरल सैटेलाइट है। बाकी आपने देखा होगा, डे टू डे अखबार में पढ़ते रहते होगे, न्यूज़पेपर्स में पढ़ते रहते होगे कि अपने जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो है, वो डे टू डे सैटेलाइट लॉन्च करता रहता है। तो वो जो सैटेलाइट इंसान जो बना के भेज रहा है पृथ्वी की ऑर्बिट में, वो सैटेलाइट कैसे कहलाते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, क्या कहलाते हैं, आर्टिफिशियल। मगर अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है, मून है। ठीक है, तो 1838 में सर जॉर्ज डार्विन इन्होंने सजेस्ट किया था कि पृथ्वी और मून शुरुआत में एक सिंगल रैपिडली रोटेटिंग बॉडी हुआ करती थी। ध्यान रखना, अर्थ और मून एक सिंगल रैपिडली रोटेटिंग बॉडी हुआ करती थी। पूरा की पूरा जो मास था वो डंबल शेप बॉडी थी, पूरा की पूरा जो मास था वो क्या बन जाता है, डंबल शेप बॉडी बन जाता है, और ये इवेंचुअली क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो मैंने बताया था कि जो स्टार्टिंग में क्या था, अर्थ और मून एक सिंगल रोटेटिंग बॉडी थी, और ये शेप किसकी ले लेता है, डंबल शेप ले लेता है, और फाइनली इसमें क्या होता है, ब्रेक टूट जाता है, और टूट के मून अलग हो जाता है किससे, पृथ्वी से। तो ऐसा सजेस्ट किया जाता है। तो इट वाज ऑल्सो सजेस्टेड दैट द मटेरियल फॉर्मिंग द मून वाज सेपरेटेड फ्रॉम व्हाट हैव एट प्रेजेंट द डिप्रेशन ऑक्यूपाइड बाय द पैसिफिक ओशियन। देखो, अपना सबसे बड़ा, लार्जेस्ट और सबसे डीपेस्ट जो ओशियन है वो पैसिफिक ओशियन है। तो पैसिफिक ओशियन में आज की डेट में एक डिप्रेशन पाया जाता है, जो गड्ढा सा पाया जाता है, बहुत बड़ा डिप्रेशन है वो। तो ऐसा क्या माना जाता है कि जो मून में से जो मटेरियल निकला है ना, मून का जो मटेरियल है, सॉरी, जिससे मून बना हुआ है, वो मटेरियल कहाँ से निकला होगा, इस पैसिफिक ओशियन में जो गड्ढा है यहाँ से निकला होगा। मतलब पैसिफिक ओशियन किस में, पृथ्वी का पार्ट है, सिंपल सी बात है। तो जो मून जो बना है वो किससे बना है, अर्थ से ही बना है, और अर्थ में से जो मटेरियल गया था वो कहाँ से गया था, पैसिफिक ओशियन के पास से गया था। तो वहाँ पर क्या है, डिप्रेशन है, वो यही इंडिकेट करता है कि हाँ वाकई में ऐसा हुआ होगा। हाउएवर, फिर भी, द प्रेजेंट साइंटिस्ट डू नॉट एक्सेप्ट ईदर ऑफ द एक्सप्लेनेशंस। प्रेजेंट जो साइंटिस्ट हैं आज की डेट में, जो वैज्ञानिक हैं, वो इन एक्सप्लेनेशंस को नहीं मानते, मान के नहीं ये सही नहीं है। तो मानते किसको है, तो वो वाली है बिग स्प्लैट थ्योरी। कौन सी है, बिग स्प्लैट थ्योरी। इसमें क्या हुआ था, एक बहुत बड़ा, मतलब मार्स के साइज से भी बड़ा एक, मतलब बॉडी आती है, और वो पृथ्वी को क्या करती है, हिट करती है, जिसको हम बोलते हैं बिग स्प्लैट या बिग जाइंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, और यहाँ पे ये अपनी पृथ्वी है, यहाँ पे इसने एक बॉडी आई, इसने हिट किया पृथ्वी को हिट किया, तो पृथ्वी से सारा, बहुत सारा मटेरियल बाहर निकला, और यही मटेरियल इकट्ठा होके अर्थ के चारों तरफ क्या करने लगता है, रिवॉल्व करने लगता है अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, और रिवॉल्व करने लगता है, तो ये किसका रूप ले लेता है, मून का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये हिट किया, ये हिट करके और अंदर गया, और इसमें से मटेरियल निकला, मटेरियल बाहर की तरफ मूव करने लगा, और फाइनली आज की डेट में ये अपना हो गया मून, और ये हो गई अपनी पृथ्वी। ठीक है, या इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ये अर्थ, ये इम्पैक्ट होता है, ये कोई बॉडी आ रही है बाहर से, इम्पैक्ट किया, इसमें से मटेरियल बाहर निकल के और ये कंडेंस हुआ, कंडेंस होने के बाद ये रिवॉल्व करने लगा, और फाइनली आज की डेट में ये मून, और ये है अपनी अर्थ। ठीक है, तो ऐसे करके मून का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, इसको हम बोलते हैं जाइंट इम्पैक्ट या फिर बिग स्प्लैट। ठीक है, इट इज नाउ जनरली बिलीव दैट द फॉर्मेशन ऑफ मून एज ए सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज एन आउटकम ऑफ जाइंट इम्पैक्ट और व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज बिग स्प्लैट।
तो हम आज की डेट में क्या मानते हैं, ऐसा सब ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि जो मून का एवोल्यूशन हुआ है वो किसका आउटकम है, किसका रिजल्ट है, वो जायंट इम्पैक्ट का रिजल्ट है, बिग स्प्लिट का रिजल्ट है, जिसको हम क्या बोलते हैं बिग स्प्लिट, बहुत बड़ा क्या हुआ था, टक्कर हुई थी, जॉइंट इंपैक्ट हुआ था, धमाका सा हुआ, ठीक है। तो ए बॉडी ऑफ साइज ऑफ 1 to 3 times ऑफ मार्स, एक बॉडी आती है, ये मान लो बाहर से जो बॉडी आई है, टकराई है, वो बॉडी है, इसका जो साइज था, इसका जो साइज था वो मार्स के साइज से 3 गुना था। कितना था? साइज ऑफ 1 to 3 times ऑफ मार्स, मतलब इसका जो साइज था मंगल ग्रह जो है उसके साइज से 3 गुना था। ये बॉडी पृथ्वी से कोलाइड करती है, कोलाइड मतलब टकराती है, और ये कब की बात है, अर्थ समटाइम शॉर्टली आफ्टर दी अर्थ वाज फॉर्म, जैसे ही पृथ्वी बनी थी, ये उसी समय की बात है, जैसे ही अर्थ बनी थी उसी समय अर्थ से ये चीज़ टकराती है, जिसका जो साइज है वो मार्स से 1 to 3 गुना ज़्यादा, ये टकराती है जैसे ही अर्थ बनी थी, और टकराने पर इसमें से बहुत सारा मटेरियल बाहर निकलता है। इट ब्लास्टेड ए लार्ज पार्ट ऑफ अर्थ इनटू स्पेस, इसकी वजह से क्या होता है, जैसी टक्कर होती है तो बहुत सारा मटेरियल निकल जाता है, कहाँ पर, स्पेस में निकल के आ जाता है। दिस पोर्शन ऑफ ब्लास्टेड मटेरियल देन कंटिन्यूड टू ऑर्बिट द अर्थ, और ये जो पोर्शन बाहर निकल के आया था मटेरियल का, ये लगातार क्या करता है, और ये जैसे यहाँ से ये ब्लास्ट हुआ, मटेरियल बाहर निकल गया है, और ये मटेरियल क्या कर रहा है, अर्थ को ऑर्बिट कर रहा है, और फाइनली किसका शेप ले लिया, मून का शेप ले लिया, ठीक है। तो दिस पोर्शन ऑफ ब्लास्टेड मटेरियल देन कंटिन्यू टू ऑर्बिट द अर्थ एंड इवेंचुअली फॉर्म द प्रेजेंट मून अबाउट 4.4 billion ईयर्स अगो। तो आज की डेट में जो मून आप देखते हो, ये मून का इवोल्यूशन कब हुआ था, लगभग 4.44 billion ईयर्स एगो ये मून का इवोल्यूशन हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मून के एवोल्यूशन की दो थ्योरीज देखी, एक तो डम्बल शेप, जिसमें मतलब अर्थ और मून दोनों एक ही जगह पे हुआ करते थे, मून अलग हो गया और पृथ्वी पे क्या बन गया, डिप्रेशन, जो कहाँ पर देखने को मिलता है पैसिफिक ओशन में, ऐसा मानते हैं। दूसरा क्या है, हमारी पृथ्वी से मार्स के साइज से दो, एक मार्स के साइज का 1 या 2 या 3 गुना साइज की एक बॉडी आती है और अर्थ को हिट करती है, जिसको हम जॉइंट इंपैक्ट बोल रहे हैं, ठीक है, या बिग स्प्लिट बोल रहे हैं। पृथ्वी से बहुत सारा मटेरियल बाहर निकलता है, ये मटेरियल कंडेंस होने के बाद पृथ्वी के चारों तरफ क्या करता है, रिवॉल्व करता है, और किसका रूप ले लेता है, मून का रूप ले लेता है। तो अर्थ का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट मून बन जाता है, और ये कब हुआ, 4.4 billion ईयर्स एगो ये घटना हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा मून का इवोल्यूशन, तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम बाकी चीज़ें नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे, तब तक के लिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो, स्टे हैप्पी, जय हिंद, जय भारत।